दोस्तों इंडिया के अंदर करियर को लेकर लोगों का माइंडसेट काफी तेजी से बदल रहा है। जहां से कुछ साल पहले लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के पीछे ही भागते थे, वहीं अब वही लोग अपनी जॉब छोड़कर अपने स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि रीसेंट स्टडीज भी कह रही हैं। रेस्टेड वर्क मॉनिटर के सर्वेज ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में लगभग 83% इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरह अगर कोई स्टार्टअप करने मिल जाए तो अपनी करंट जॉब छोड़ने में वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। रीजंस इसके पीछे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉल ड्यूपिस जो कि इसी रेस्टेड इंडिया के CEO हैं, वो इसके पीछे की वजह एक स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, FDI कैप्स, GST इम्प्लीमेंटेशन और डिजिटल इंडिया जैसे रिफॉर्म्स को बताते हैं। और टेक्निकली अगर आप देखो तो ये काफी हद तक सही है, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो अमीर लोगों की गिनती में जॉब करने वाले बहुत कम और बिजनेस या स्टार्टअप करने वाले बहुत ही ज्यादा हैं। और ऐसे ही एक दूसरे का बिजनेस देख देख कर एक इंसान से दूसरा इंसान डेली इंस्पायर हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आज के टाइम में सभी को जल्दी अमीर बनना है। लेकिन अब ये सब बातें जानने के बाद में अगर आपके मन में भी एक स्टार्टअप का डिजायर जाग गया है तो रुको, जरा सबर करो, इसकी एक डिफरेंट साइड भी देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया के मिनिस्टर PM डेब्रॉय का कहना है कि लगभग 95% एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप्स में फेल हो जा रहे हैं। मतलब कि शुरुआत तो उनकी बहुत एक्साइटमेंट में होती है, पर धीरे धीरे उनका ग्राफ ऐसे नीचे जाता है कि प्रॉफिट होने की जगह उल्टा लॉस होने लग जाता है उनका। तो इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि अगर कोई दूसरा स्टार्टअप करके आगे बढ़ गया है तो आप भी उसी की तरह आगे बढ़ जाओ। अब देखो, मैं आपको यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा बल्कि कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या, कोई छोटी जॉब न करें, किसी स्टार्टअप का रिस्क न झेलें तो फिर करें क्या? तो देखो, अगर आप किसी बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर रिस्क लेने को तैयार हो तो आपके लिए फिर इससे अच्छा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट रिस्क लेना अभी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो और पैसे भी ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपके लिए फिर बीच का ऑप्शन है, और वो है हाई पेइंग जॉब्स। मतलब कि कहने के लिए तो वो एक जॉब हो पर उसकी सैलरी इतनी ज्यादा हो कि आपको फिर बिजनेस के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो अगर आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हो तो अपना पूरा फोकस इस वीडियो की तरफ ले आओ, आगे आपको यही जानने मिलेगा। क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसी हाई पेइंग जॉब शॉर्टलिस्ट की हैं जिनके अगर आप सही से तैयारी कर लेते हो तो एक जॉब के थ्रू भी आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो चलिए बिना ज्यादा ओवर टाइम लगाए अब सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये प्रोफेशन वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडिंग प्रोफेशंस में से एक है जिसका अच्छा खासा स्कोप है, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले कई सालों तक के लिए। हालांकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट लोगों में आपका ट्रस्ट इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको इस फील्ड में बहुत जल्दी आगे ले जाएगा। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का आखिर काम क्या होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जितने भी अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो उन पर काम करते हैं, जैसे टैक्स के रिटर्न फिलअप करना, ऑडिटिंग करना, इन्वेस्टमेंट के सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कंपनी या बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना, क्लाइंट्स को कंसल्ट करना एटसेट्रा। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, करंट मार्केट के आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरों को अपनी बातों से कन्वेंस करना आना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों लगभग हर बिजनेस और कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यही रीजन भी है कि आज के टाइम में इस जॉब की इतनी ज्यादा डिमांड है। एक एवरेज इंसान की सालाना सैलरी यहाँ पर लगभग 7 लाख रुपए पर एनम होती है, और अगर आप कुछ सालों का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो ये 25 लाख से 40 लाख पर एनम भी जा सकती है। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। हाई पेइंग जॉब्स की बात हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कॉन्सेप्ट ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिन ब दिन AI सिस्टम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट ChatGPT, जिसकी वजह से गूगल जैसे बड़े इंजन तक का फ्यूचर खतरे में आ गया है, वो भी इसी AI सिस्टम पर बेस्ड है। बहुत सिंपल करके अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो AI का मतलब है कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियली एक माइंड दे देना और अलग अलग डेटास के थ्रू उस माइंड की इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करते रहना। ये जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन आप देखते हो जो आपकी टाइपिंग और आपकी आवाज के इशारों पर आपको रिजल्ट दिखाती है, वो सभी AI पर चल रही होती है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर बिल्कुल एंडलेस पोटेंशियल है। अब जान लेते हैं कि AI इंजीनियर का आखिर काम क्या होता है। तो ये इंजीनियर्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके AI मॉडल्स बिल्ड करते हैं। मॉडल जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, या फिर किसी टूल में इसका यूज किया जाना हो गया, जो बेसिकली ह्यूमंस के इशारों पर चलें और जिस भी इंफॉर्मेशन या फिर हेल्प की उनको रिक्वायरमेंट हो उसको तुरंत फुलफिल कर दें। ये प्रोफेशन में आने के लिए प्रोग्रामिंग और अदर कंप्यूटिंग लैंग्वेज आना आपको मैंडेटरी है। इस जॉब की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 8 लाख पर एनम तक से शुरू हो सकती है, और एक्सपीरियंस के साथ हाईएस्ट सैलरी की अगर बात करूं तो ये 50 लाख पर एनम तक जा सकती है।
तो ये सब कह सकते हैं कि एक अच्छा करियर बिल्डअप करने के मामले में ये फील्ड भी टॉप पर है। नंबर 3, मार्केटिंग मैनेजर। दोस्तों सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में डेली बेसिस पर कितने नए नए प्रोडक्ट्स निकलते हैं और हर एक प्रोडक्ट लोगों की या तो किसी जरूरत या फिर इच्छा को पूरी कर रहा होता है। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ गिनती के प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो लोगों में फेमस हो पाते हैं। उनसे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर 4-5 साल तक भी नहीं टिक पाते। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या बाकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेकार होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि कोई दूसरा उस लेवल का प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता? वेल नहीं, इन कुछ ब्रांड्स के बहुत जल्दी फेमस हो जाने के पीछे की कुछ और ही वजह होती है। ये कंपनीज इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करती हैं कि जो भी कस्टमर उनके उस प्रोडक्ट को देखे उसे खरीद लेने का मन बना ले। मतलब कि उनके जल्दी फेमस हो जाने के पीछे का रीजन उनके प्रोडक्ट कम और उनकी मार्केटिंग ज्यादा होती है। और यस, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल मार्केटिंग मैनेजर्स का होता है। मार्केटिंग मैनेजर्स का काम कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का होता है एंड ये करने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ये उनके ऊपर है, बशर्ते वो एक लीगल तरीका हो। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए कैसे बजट मेंटेन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक गोल बनाना है, कैसे अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना है, ये भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस फील्ड की बैचलर डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। तीसरा, आपको बजट वगैरह भी देखने होते हैं तो आपको फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पर क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है ताकि नई नई स्ट्रेटजीज के थ्रू आप प्रोडक्ट की सेल्स को ग्रो कर सको। अब देखो, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है तो यहाँ पर सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। वैसे तो आपकी सैलरी इस बेस पर डिपेंड करती है कि जो कंपनी आप पिक कर रहे हो उसकी रेपुटेशन कितनी है, पर एवरेज सैलरी की अगर बात करूँ तो 9 से 12 लाख रुपए पर एनम तो आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। एंड अगेन, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी में भी इजाफा होता है। नंबर 4 इज फ्रीलांसिंग। अगर आपको ये डाउट रहता है कि कई लोग अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कौन सी फील्ड में रहे हैं, तो यस, ये वो फील्ड है जिसे आप फ्रीलांसिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया में एमर्जिंग जॉब की बात करूं तो फ्रीलांसिंग उन्हीं में से एक है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अभी लगभग 26 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये नंबर्स बढ़कर 30 मिलियन हो जाएंगे। बट सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग इस फील्ड में क्यों जा रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि लोगों को फ्रीलांसिंग में काफी ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। क्योंकि एक तो इस काम में मैक्स कंट्रोल आपके खुद के हाथों में होता है एंड डेली इस काम को करने के लिए आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोग्रामिंग, लोगो डिजाइनिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियोग्राफी, राइटिंग एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यही वजह है कि बाकियों के कंपैरिजन में अपना करियर बिल्ड करना थोड़ा आसान लगने लगता है और ना तो आपको यहाँ पर किसी डिग्री की जरूरत पड़ती और ना ही किसी सर्टिफिकेट की। हर दूसरा आदमी अपने स्किल्स के बेस पर यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकता है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancer.com, Upwork, Fiverr, जहाँ से आप अपनी इस जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप अकेले ना चल करके एक पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं तो आप इसको एक जॉब में ना रहने दे करके बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कोई भी स्किल अगर आपके पास है तो देर किस बात की, वहाँ अपना अकाउंट बनाओ, पोर्टफोलियो क्रिएट करो और अपनी स्किल्स के थ्रू अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। तो गाइज, ये थी वो हाई पेइंग जॉब्स जिनके थ्रू आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। बट जिस भी फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हो, पहले ये मेक श्योर कर लेना कि उस फील्ड में आपका खुद का भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम काम नहीं लगता, सिर्फ एक बोझ लगता है। बाकी अगर आप एक छोटे बिजनेस को कुछ हैक्स के थ्रू लाखों तक पहुंचाना चाहते हो तो आपके लिए ये राइट वीडियो है। एंड अगर आप अपने दबे हुए पोटेंशियल को वापस से अनलॉक करना चाहते हो तो आपके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो है। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे उन्हीं वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।